This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content.

तो उनको मेरा जवाब यही था कि जो अगर आपने ले लिया है अभी भी मेरी बात सुन लें तो उसको जल्द से जल्द बेचें और आइंदा उसको बिल्कुल टच ना करें और कोई अच्छे सॉलिड शेयर्स ले लें जिनका बेस है तो जिन लोगों ने मशवरा सुना होगा वो तो बच गए लेकिन जिन्होंने नहीं सुना आज उन पर बड़ी ज़बरदस्त तबाही आई है बहुत से हार्ट अटैक्स होंगे आज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी आज दुनिया भर की सिचुएशन ये रही कि ऑयल की कीमत में थोड़ा सा इजाफा हुआ है फोर्टी थ्री पॉइंट एट फाइव डो नाइन प्लस है एस पी ज़ीरो है नेसडेक्स सिक्स प्लस है डी में 315 का इजाफा हैंसंग में थ्री वन थर्टी नाइन का इजाफा शंघाई टू पॉइंट एट का इजाफ़ा सेंसेक्स माइनस फोटीन सिंगापुर थ्री पॉइंट नाइन फाइव माइनस फुट्टी ट्वेंटी फाइव प्लस है डैक्स हंड्रेड प्लस है कैक 47 सेवन प्लस है आई 35 थर्टी फाइव प्लस है तो ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट में हम ये देख रहे हैं कि इस तरफ जब यूरोप की तरफ नज़र डालते हैं तो कुछ बेहतरी नज़र आ रही है आ, लेकिन हमारे यहाँ तो ये हुआ कि आज स्टार्ट होते ही मार्केट नीचे आना शुरू हुई और एक फिर 492 पे आके थोड़ा सा रुकी ऊपर गई वापस मार्केट उसके बाद से जो उसने डाइव किया तो 642 तक का भी हमने माइनस देखा और अब थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट होके बल्कि नो सिक्स भी आई फोर्टी आया और अब सिक्स पे खड़ा है Uh, दो चार शेयर्स uh, इस गिरती हुई मार्केट में आज थट्टा सीमेंट एक्स डिविडेंड होने के बाद 1.38 प्लस है uh, 37.94 का हुआ ये सॉलिड शेयर्स हैं डिविडेंड देने के बाद भी बढ़ते हैं ये बड़ी ख़ूबी की बात है और uh, आज जो गिरना शुरू हुआ तो कुछ अच्छे शेयर्स भी गिर गए उनको उनके बारे में कहूँगा कि उनको आप ख़रीद लें और जो ख़राब शेयर गिरे हुए हैं उनसे आपको पहले ही कहा था कि बेच दें अभी भी टाइम है बेच दें कि ये मजीद बहुत ज़्यादा गिर सकते हैं इनकी बढ़ने की कोई वजह नहीं थी दूसरी वजह जो हमारे यहाँ हुई है वो ये है कि गोरे बड़े तेज़ी से बेच के भाग रहे हैं परसों उन्होंने दस मिलियन बेचा था कल तकरीबन पाँच मिलियन बेचा आज भी बेचेंगे क्योंकि जो इंडिया पाकिस्तान का टेंशन है वो गोरों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है हम लोग तो खैर आदि हो चुके हैं हमारे बिजनेसमैन भी काफ़ी डिस्टर्ब हैं आज उन्होंने बड़े बयान वगैरह भी दिए हैं कि गवर्नमेंट ने सही इमेज पाकिस्तान का बिल्ड नहीं किया और ये परसप्शन जो है बड़ा प्रॉब्लम है अदरवाइज उन्होंने कहा कि हम मुकाम के साथ खड़े हैं आइए एक लाइव कॉल से बात करें अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम हाजी साहब वेलकम टू शो सर क्या हालचाल ठीक है आप मैं ठीक हूँ। सर ये गेमन पाकिस्तान में जो तेजी हो रही है रोजाना अपर लोग लग रहे हैं इसका सर क्या वजह है इसकी देखिए गेमन एक जमाने से बस दूसरी बात ये पूछ थी आपको जी कि कल आपके टीवी पे बात हो रही थी कि एम्बुलेंस आएंगी ये हो जाएगा वो हो जाएगा ये क्या है ये क्या एम्बुलेंस आएगी कैसा होगा ये तो कारोबार है ये तो सत्ता बाजार है चांदी के चंद टुकड़ों में ईमान को बेचा जाता है देखिए वो जो एम्बुलेंस की बात हो रही थी वो आज जो जो लोगों के गिरा है और कल भी गिरा है काफी लोगों का मेरे पास फोन आया जी हम बड़े परेशान हो गए मैंने कहा आप लोग ये छोटे छोटे आइटम में घुस हर चीज़ एक की एक वैल्यू की वजह होती है जब ये कोई कंपनी बंद पड़ी हुई है और इसलिए कि चाइना वाला आ रहा है और ये झूठी झूठी खबरें बना के आप उसको बढ़ा देंगे तो फिर वो तो गिरना है और जब भी इस तरह की सिचुएशन होगी कि एक तरफ इंडिया से टेंशन है गोरे बेच बेच के भाग रहे हैं तो एक पैनिक क्रिएट हो गई यार 600 पॉइंट मार्केट गिर गई उस उसमें कुछ अच्छे शेयर भी गिर गए और बुरे तो गिर नहीं था उनको गिरना ही चाहिए था उसके बारे में परसों से मैं लोगों को कह रहा था कि अभी एक अच्छे पॉइंट पे आप लोगों ने आ लिए अगर आपने ले लिया है ये कचरा शेयर तो अच्छा मौका है कि उसको बेच के उसको फिर कभी इंट्री ना लेना आप मेरा ये मशवरा था तो जिन लोगों ने परसों तक बेच के निकल गए और उन्होंने फिर से इंट्री नहीं ली वो तो बच गए लेकिन जो लोग अपने आप को ज़्यादा कलमंद समझते हैं दो सौ चार सौ कमाने की कोशिश करते हैं और तारिक को बेवकूफ़ कहते हैं क्योंकि वो कहता है कि दस से लेकर पच्चीस पे ही कनात करो तो वह उनकी आज अक्लमंदी जो है वो आज सामने आ रही है जहाँ तक गैमन का सवाल है साहब ये कंपनी एक ज़माने से बंद पड़ी थी अब उसको कुछ ठीक हो के मिले हैं क्योंकि आजकल सीपेक का ज़माना है सबको काम मिल रहा है तो इनको भी मिल गया है लेकिन इनका पुराना जो लॉसेस वगैरह हैं वो बहुत बड़े हैं उसको कवर करते करते टाइम लगेगा ऐसे तमाम कंपनियों को ऐसी खबरों के बुनियाद पर जो चलाया जाता है वो ब्रोकर चलाते हैं ताकि ज़बरदस्त उनकी कमीशन जनरेट हो ये सारे के सारे जो वॉलूम लीडर आज हैं जो आज बुरी तरह गिरे हुए हैं सब को सब कुछ चलाया गया और बहुत तेज़ी से चलाया गया वॉल्यूम को बहुत बढ़ाया गया कल नौ नाइन हंड्रेड मिलियन के शेयर्स का काम हो गया और आज वॉल्यूम भी कम हो गया मार्केट भी नीचे आ गई है तो गैमन को बढ़ने की कोई ऐसी वजह मुझे समझ में नहीं आती अगर दीवान स्पिनिंग जो एक ज़माने से बंद पड़ा है जंग आलूद है उस पर कौन सी ऐसी बात आ जाएगी कि वो एकदम से प्रॉफिट कमा के आपको डिविडेंड देना शुरू करेगा जबकि ओवरऑल ग्रुप को जो है नाइन्टी बिलियन कि प्रीवियस लॉसेस को कवर करने का चैलेंज है तो कैसे एकदम से कोई एकदम मरे हुए मरे हुए कंडीशन से बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है इनकी मोटर और सीमेंट काम कर रही है कम अभी काम करेगी कमाएगी पिछला सूद देगी ओवर ड्यू इंस्टॉलमेंट्स देगी बैंकों के आ, उसके बाद जाके ये खड़ी होगी फिर आपको डिविडेंड वगैरह देना शुरू करेगी इतना ज़्यादा इसके ऊपर इंथ्योसिजम दिखाना सही नहीं है कल परसों मैंने दीवान ग्रुप के भी तमाम शेयर्स को लोगों को मशवरा दिया इंटरनेट पे कि उसको भी आप बेच के निकल जाएं लीव दिस ग्रुप गो फॉर सम अदर मोर सॉलिड ग्रुप्स आइए कॉल से बात करें तारिक भाई मैं कई दिनों से कॉल मिला रहा था इत्तेफाक से आज मिल गई ये है कि दो साल से मैं आपको बता रहा हूँ की हमारे शेयर इदरीस आदम सिक्योरिटीज वाला रख के बैठा हुआ है जब उसको फोन करते हैं कि ये शेयर भेजो तो कहता है कोई ताल्लुक नहीं है मेरा जाओ स्टॉक एक्सचेंज से बात करो तो अभी स्टॉक एक्सचेंज वाले इससे मिले हुए हैं एस सी सी पी हमारा नोटिस नहीं दे रही इस वक्त एफ आई ए और क्या नाम है जो भी है इसके मुतालिका अफसरान उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि इसको टेकअप करें ऐसे मित्री साधम सिक्योरिटीज के चारों अकाउंट हमारे जो है इसकी स्क्रूटनी करें डिटेल स्क्रूटनी इसके जाए

लेकिन आ, वो नोटिस लेंगे लेकिन आपको मैं फिर भी कहूँगा कि फॉर्मली आप जो है ना एक एप्लीकेशन मूव करें टू द नैब कापी टू एस सी सी पी ताकि इस पर एक फॉर्मल काम हो सके नैब का ऑफिस जो है कैंट स्टेशन के बिल्कुल सामने है आप वहाँ जी तौर पर अप्लीकेशन ले कर पहुँच जाएँ विथ ऑल द एविडेंस आप ज़रूर देखेंगे कुछ ना कुछ एक्शन होगा नैब के पास बहुत बड़ी बैकलाग ऑफ केसिज है लेकिन इस तरह की केस को वो जरूर हैंडल करेंगे साथ साथ एस सी सी पी को भी बार बार आप लिखते रहे एफ आई ओ को भी लिख दे चाहे तो कोई कुछ जाके एफ आई ए का ऑफिसर ही जाके एक दो पूछेगा तो शायद ही घबरा के आपकी चीज़ों को देंगे मगर सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एम डी और आ, आ, की है एस सी सी कराची पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कि वो क्यों नहीं एक्शन ले रहे इसके ऊपर प्लीज़ आप एक्शन ले इस तरह की अगर हमारे इन्वेस्टर्स रुलेंगे तो ये कैसे कॉन्फिडेंस आएगा आपके मार्केट पर कैसे हम लोगों को भेजेंगे इस मार्केट में आइए लाइव कॉल से बात करें अलकुम साहब जनाबे बताएँ दीवान ग्रुप का क्या है ये दीवान मोटर देखिए दीवान ग्रुप को आपको पूरा समझना पड़ेगा इनके पाँच छः चीज़ें हैं बड़ी डाइवर्सिफाइड काम इन्होंने कर दिया मोटर भी खोल लिया सीमेंट भी खोल लिया स्पिनिंग भी खोल लिया फाइबर भी खोल दिया और कल कोई शायद कोई और चीज़ भी बता रहा था तो बहुत सारी चीज़ें खोल दी कोई संभला नहीं इनसे नाइन्टी बिलियन का लॉस इन्होंने बैंकिंग सिस्टम को दे दिया क्लाप्स कर गए <coughs> फिर बैंकों को ख्याल आया कि चलो फिर से इसको रिवाइव किया जाए कि मईत अच्छी हो गई सीमेंट की भी डिमांड है मोटर की भी डिमांड है तो उन्होंने इनको फिर से रीशेड्यूलिंग वगैरह हुई है बैंकों के 24 बैंकों ने इनको सपोर्ट किया आठ बैंक अभी भी इनके खिलाफ खड़े हैं और उन्होंने मिल जो है इनको थोड़ा तो पैसे वैसे दिए और ये चलना शुरू हो गया तो मोटर चल मोटर में कह रहे हैं कि शहरोज़ प्रोड्यूस हो रहा है और सीमेंट प्रोड्यूस हो रहा है मार्केट में उसको हम देख रहे हैं लेकिन ओवरऑल जो डेट का बर्डन है ओवरऑल जो बै बैक, बैक, बैक पुराने इनके इंटरेस्ट है इंस्टॉलमेंट्स हैं ओवर ड्यू वो सबको क्लियर करते करते इस ग्रुप को ठीक से खड़ा होते होते बड़ा वक्त लगेगा हाँ उम्मीद की किरण है और विच इज़ ऑल्सो गुड फॉर द बैंक्स जिन बैंकों ने दीवान सीमेंट का शेयर ले लिया उसके बदले और डेट ख़त्म कर दिया उस वक्त उसका रेट था आठ रुपये आज वो चौबीस रुपये का है तो उन बैंकों को बड़ा फ़ायदा हुआ तो आपने देखा कि इस दीवान ग्रुप के इम्प्रूवमेंट की वजह से काफ़ी छोटे छोटे बैंक जो तबाह हुए थे इनकी वजह से उनमें भी इम्प्रूवमेंट आ रही है तो ये सब रिलेटेड है लेकिन आ, मैं परसों मैंने सबको यही कहा कि आप लोग दीवान ग्रुप से दूर रहें अभी भी जो क्योंकि आपके पास चॉइसेस बहुत हैं दीवान ग्रुप ही तो वाद नहीं है एक ग्रुप बहुत ग्रुप्स हैं छः सौ कंपनियाँ हैं और सॉलिड सॉलिड कंपनियाँ हैं वहाँ आप लगाएं पैकेजेस में लगाएं आप मरी बेवरी में लगाएं आप बाटा में लगाएं आप सर्विसेज में लगाएं नेशनल फूड में लगाएं ये सारी कंपनियां सॉलिड हैं वहाँ लगाएंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आइए क्लाइव कॉल से बात करें हेलो हेलो नाजिर आज की जो वॉल्यूम लीडर है वर्ल्ड कॉल है फिफ्टी फोर मिलियन का काम हुआ है तीस पैसे गिर गया ये टू 32, ये आ, ज, यहाँ पे एक जेनविन टर्न अराउंड सिचुएशन इस तरह से है कि जो फॉर इन्वेस्टर था ओमान टेलीकॉम वो बेच के जा रहा है एक पाकिस्तानी ग्रुप को ग्रुप लेना चाह रही है इसको और इसलिए उम्मीद हो रही है कि पाकिस्तानी ग्रुप जब लेगा तो इसको बेहतर तरीके से चलाएगा और यहाँ पे कुछ इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है आ, लेकिन आज क्योंकि ओवरऑल सब जगह गिर रही है मार्केट तो ये भी गिर गया और फॉरेनर्स uh, की जो सेलिंग है हो सकता है उसका भी इंपैक्ट इसके ऊपर आया हो सेकेंड जो लीडर uh, है वो फिफ्टी मिलियन के साथ बैंक ऑफ पंजाब है इसकी वैल्यूएशन मैंने ज़ीरो लगाई हुई है आप लोग इसको बढ़ा के बारह uh, चौदह ले जाने के चक्कर में थे आज 91 पैसा गिर के 11.23 का हुआ पेज पाकिस्तान जहां पे अगेन एक टर्न अराउंड सिचुएशन है और इन्होंने अपना तमाम डेट क्लियर कर दिया इसलिए यहाँ पे वो दीवान ग्रुप वाली सिचुएशन नहीं है कि बैंकों के पे ये लोग नहीं रहे अब इनकी अपनी कारोबार है अब ये चाहें तो ठीक से चला सकते हैं 9.63 का हो गया 49 पैसा गिर गया ये ओवरऑल सब गिर रहे हैं तो ये भी गिर रहा है दीवान सलमान दीवान सलमान ये वो दीवान सलमान है आई थिंक दिस इज़ दीवान सलमान कई चीज़ें हैं इसलिए कन्फ्यूजन भी होती है ये फाइबर होगा ये एक रुपया आज गिरा हुआ है फुल एक रुपया गिर गया हंड्रेड परसेंट जितना गिर सकता था लोअर लॉक है ये सेवन पॉइंट वन नाइन इसके बढ़ने की कोई वजह ही नहीं थी कि दो रुपये से ये आठ रुपये नौ रुपये का शेयर हो जाता इसलिए अब गिर रहा है और अब मजीद गिरेगा ये टी आर जी पाकिस्तान में भी दो रुपये का नुकसान है फोटी वन का हो गया इसकी वैल्यू मेरी नज़र में थर्टी फाइव थर्टी सिक्स से ज़्यादा नहीं है और ख़बरें छोड़ छोड़ के इसको बढ़ाना बहुत आसान है क्योंकि इनके पास ऐसा कारोबार है कि जब चाहे कह दे कि जी बहुत बड़ा वोडोफोन आ गया या कोई भी आ गया और उस बेसिस पे वक्ती तौर पे तो बढ़ जाएगा लेकिन असल रिटर्न पे डिपेंड करती है कंपनी अब वो आस्ते आस्ते जाहिर हो जाती है एस गर्ड नाइन मना करता रहा आप लोगों को कि ना जाओ इसके पीछे चले गए बहुत कमा लिया बहुत अमीर हो गए आज गरीब हो गए सिक्सटी सिक्स पैसा गिर गया ये सेवन पॉइंट टू नाइन का ये कंपनी बंद हो चुकी है और इसकी जो एक शेयर होल्डिंग थी एक फ़र्टिलाइज़र कंपनी में क्योंकि वो फ़र्टिलाइज़र कंपनी चल पड़ी क्योंकि गैस अवेलेबल हो गया तो उसका उनका जो इन्वेस्टमेंट था उसकी वैल्यू बढ़ गई है इस वजह से यहाँ पे कह रहे हैं कि इसकी भी वैल्यू बढ़ गई अदरवाइज़ इसके पास एक ज़मीन है कुछ मशीनें होंगी वो बिकेगा आपको मिलेगा इसकी कोई इतनी वर्थ नहीं है लोग किसी ने कह दिया कि अब ये फिर से चलेगा डेनेम बनाएगा ऐसी ऐसी खबरें होती हैं ये आई कॉल से बात करें जी असल साहब जनाब मैं जाहिर बात कर रहा हूँ लाहौर से जी जाहिर साहब साहब जी तारिक साहब आपसे बात करके आप यकीन करें बड़ा हौसला मिलता है और बड़ी खुशी होती है

माशाला अच्छा कर रही हैं दीवान ग्रुप में अगर बात की जाए तो दीवान सीमेंट तो बिक रहा है नज़र आ रहा है आ, लेकिन ओवरऑल ग्रुप का मसला अलग है तो पावर आपके पास है अच्छा है फ्लाइंग भी छोटे शेयर्स में अच्छा है और सीमेंट में एक जो चैलेंज आ रहा है वो ये है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हो रही है उससे इनके काटल जो है वो टूट सकती है आ, लेकिन ये कंपनियाँ हैं तो बहुत सॉलिड और इसकी आप ज़्यादा फिक्र नहीं करें आपने अच्छा किया कि, कि कोई हवाई कंपनियों में आपने पैसे नहीं लगाए आइए कॉल से बात करें भाई मुझे वो स्वी गैस लेना है। मैं ले लूँ इस रेट से बिल्कुल ले आप दोनों नार्थ साउथ दोनों लें और दोनों बहुत बढ़ेगा उसकी सिंपल रीजन है तारक़ ख़ान के कहने से कुछ नहीं होता अगर गैस केपेबिलिटी बढ़ेगी तो इनका कारोबार बढ़ेगा जो चीज़ें बेचते हैं इनके पास ज़्यादा होगा तो ज़्यादा बेचेंगे ये और गैस कैपेबिलिटी डेफिनेटली बढ़ रही है एक नया टर्मिनल लग रहा है एल लाने के लिए तो जब डबल हो जाएगा कैपेसिटी पाइप बिछ जाएगी कराची टू लाहौर और अगर आ, हम लोग थोड़ी सी हिम्मत करें कि ईरान से भी गैस ले आएँ अब वो उस पर काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है उसको कहा जा रहा है गवादर टू तो नवाबशाह पाइपलाइन एक्चुअली दैट्स ए पाइपलाइन लाइन ईरान हम बता नहीं रहे अभी बाद में उसको वहाँ से कनेक्ट कर देंगे ईरान से और ईरान की गैस भी आना शुरू हो जाएगा जल्दी और उसके साथ साथ टापी का जो है वो भी आ रहा है तो सब तरफ से गैस आ रहा है इन शाह बढ़ेगी तो दोनों के शेयर्स के कारोबार में इजाफा होगा इनका प्रॉब्लम यह है कि गैस ही नहीं तो बेचे क्या आइए क्लब कॉल से बात करें भाई। जी। जी, मैं जीज़ इकबाल से मिसज इकबाल वेज

अगर ये आ, सही चीज़ बनाएंगे बेचेंगे तो ये चलेगी आज का गिन्ना जो है वो इन लाइन विद द रेस्ट ऑफ दी पोर्टफोलियो है और आ, एंग्रो इज़ ओके और आ, मेरिट भी अच्छा है छोटा है पैकेजिंग कंपनी है पैकेजिंग इंडस्ट्री इज़ डूइंग वेल ये चारों को अब रखें मिसेस बात और ब्रोकरस के कहने पर बेचने ख़रीदने के चक्कर में ना रहें आपने ये ले लिया बहुत सोच समझ के लिया अच्छा लिया है सब में काम है सबके पीछे कुछ एसेट्स नज़र आते हैं तो इनको कुछ नहीं होने वाला हवाई कंपनी जो होगी जिसके पीछे कोई एसेट नहीं होगा वो तबाह हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा वो क्या कहाँ लेकिन आपके ये सारी कंपनीज के पीछे एसेट्स हैं इसलिए इस कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आप लोगों का छोटी सी ब्रेक वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड अभी uh, हमारे डायरेक्टर uh, प्रोड्यूसर साहब हस्टैन साहब ने बताया कि थोड़ी इम्प्रूवमेंट आई मार्केट में और 535 पॉइंट uh, का लॉस रह गया अभी भी 39,805 का लेवल है और ये एट वन पॉइंट पॉइंट भी गिरा हुआ था उस लिहाज से अच्छी खासी रिकवरी हुई है विद इन द लास्ट हाफ एन आवर और रिकवरी जो हुई होगी वो ज़्यादातर वो अच्छे जो शेयर्स गिर गए थे बिला वजह उन पर हुई होगी जो ख़राब शेयर्स जिनका वैसी कोई वैल्यू नहीं था उनको तो गिर ही था तो उसको उस पर आई डोंट थिंक कि वहाँ पे इम्प्रूमेंट आई होगी एक नज़र चीज़ आपको नजर में रखनी है कि गोरे ये इंडिया पाकिस्तान के टेंशन से बहुत ज़्यादा टेंस हो जाते हैं और वो बहुत बड़ी तादाद में बेचना शुरू कर देते हैं कल पाँच मिलियन बेचा परसों दस मिलियन बेचा आज पता नहीं वो क्या करें ये भी एक फैक्टर है उसके अलावा जो आ, जो हमारे फंडामेंटल्स हैं इमरान खान का ख़तरा तीस तारीख़ वाला वो मंडला रहा है और उसमें जो ख़राब बात हो रही है वो ये है कि ऐसा लगता है कि सड़कों पर मारपिटाई होगी एक तरफ बैट होगा एक तरफ डटा होगा ये बहुत ही ख़राब सिचुएशन होगी ऐसा होना नहीं चाहिए फिर डेमोक्रेसी का फ़ायदा क्या है इमरान खान साहब ना पार्लियामेंट में कुछ बोल पाते हैं ठीक से ना कोर्ट में अपने आप को कुछ साबित करना चाह कर सकते हैं अब आ गए डटे पे तो डा आपके पास है तो बैट आपके पास है तो दूसरे के पास भी डटा है तो उनकी तादाद ज़्यादा है उनके आप नंबर ऑफ़ पार्लियामेंटेरियन देख लीजिए तमाम ज़मनी इंतखात में वो धड़ाधड़ जीते जा रहे हैं आप कहते हैं कि हम ज्यादा बड़े बदमाश हैं ऐसे नहीं होता डेमोक्रेसी में आइए क्लाइका से बात करें अलकुम जनाब सर मैं कराची से बोल रहा हूँ नाम हमारा मैं आपसे सर पूछा था इससे पहले कि हमारा अकाउंट दो जगह है तो हमारा दो तीन चीज़ फंसा हुआ है जैसे जेल पार्क फंसा हुआ सेपको फंसा हुआ है तो इसके लिए मैं अकाउंट बंद करने चाह रहा था तो इसके लिए क्या करूँ पार्क और आ, को पड़ा हुआ है तो वहाँ पे हज़ार रुपया उस हाल का ले रहा है तो मैं सोचा बंद करके दूसरा जगह खुला के तो वो कर लूँ ना कि उसमें चलाते रहो ये तो बंद ही हो चुका है ना सामान अभी तो औ, और आपके पास शेयर नहीं है नहीं ना हमारे पास पैसे ही खत्म हो गए तो क्या किया जाएगा अच्छा तो फिर आप इसके फिजिकल शेयर ले लें और रख लें अपने पास जब ये रिवाइव होगा उस वक्त आप इसको फिर से सी अकाउंट खोल के सी में आप दे जमा कर देंगे फिर से ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू सीडीसी सी डी सी नंबर्स और फिर से आपको हो जाएगा फ़िलहाल आप ज़ील पाक हमारे पास भी जो पड़ा हुआ है वो फिज़िकली है आप भी फ़िज़िकल रख लें आज तक कल इसकी बारी आएगी एक दिन आएगा आपके घर पे एक लेटर आएगा कि जी आप अपना शेयर वापस बेचना चाहें तो इस रेट पे हम लेने के लिए तैयार हैं और वो इस्ट के आ, की रजामंदी की से आएगा और उस पर आप उसको आप सरेंडर करेंगे अपने ब्रोकर को और उसके बदले आपको इतने पैसे मिल जाएंगे ये दोनों को बेच बिल्कुल नहीं ये कागज़ का रद्दी का टुकड़ा नहीं है ये एक एसेट को शो कर रहा है झील पार्क के पीछे बहुत बड़ी ज़मीन है और उसकी बहुत बड़ी वैल्यू है सेपको के पास ज़मीन है डेढ़ सौ मेगावाट बिजली बनाने का प्लांट है जो कि एक मामूली चीज़ नहीं है डेढ़ सौ मेगावाट इज़ ए बिग थिंग और उसकी बहुत बड़ी वैल्यू है गवर्नमेंट उसको चलाना चाह रही है मिनिस्ट्रीज काम कर रही है इसके ऊपर ये और जापान पावर दोनों इन चलेगा जल्दी और जब ये चलेगा तो आस्ते आस्ते इसका शेयर 25 30 35 तक का हो जाएगा इसको फेंकना नहीं है आपको आइए एक लाइव कॉल से बात करें वालेकुम सलाम साहब कैसे मजा आज हाँ मैं ठीक हूँ जनाब सर गाइड कर दीजिए ये मीडिया टाइम्स और फ्लाइंग सीमेंट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसी रहेगी जी थैंक यू जी फ्लाइंग सीमेंट तो कोई इशू ही नहीं है आपने देखा कि दीवान सीमेंट जैसी डेट कंपनी भी चल पड़ी बैंकर ने उसको डेट को कन्वर्ट कर दिया शेयर्स में कॉन्फिडेंस दिखाया तो फ्लाइंग सीमेंट को तो कुछ होना नहीं है ठीक है थोड़ा बहुत प्रॉफिट ऊपर उप, उप, नीचे हो सकता है मीडिया टाइम की कहानी यह है जनाब कि इसके रेवेन्यू में काफ़ी पिछ, पिछले दिनों जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आई हैं मार्केट में एस सी सी पी वाला को पहुँची है उसमें बहुत मार्ग इम्प्रूवमेंट देखने में आया है इस वजह से यहाँ पर ऑप्टमिज़म पैदा हुआ और इसके रेट्स बढ़े हैं ये आ, ये सबसे बड़ी कंपनी है जिसके पास दो चैनल है एक अखबार है डेली टाइम्स और अगर इनके कारोबार में इजाफ़ा होगा तो जाहिर है ये शेयर चलेगा और ये ये शेयर ये कंपनी वही है जिस जिस पे जहाँ से मैं बोल रहा हूँ बिज़नेस प्लस भी इन्हीं का है और बिजनस प्लस पे आपने देखा होगा कि काफ़ी अब इश्हार वगैरह आना शुरू हो गए पहले नहीं आते थे इनकी जो काविश है कैपिटल uh, मार्केट के लिए उसको आप जितना uh, सराहें कम है ये जो मैं शो कर रहा हूँ ये कल इन श्रा तीन साल पुराना शो हो जाएगा ये और ये इस पर कोई इश्तहार नहीं मिला लेकिन इनकी कदबी है इनकी कमिटमेंट टू पाकिस्तान है ये ज़बरदस्त किस्म के पाकिस्तानी लोग हैं शहरियार ताशिर आमला ताशिर पाकिस्तान पर जान निछावर करते हैं आमला तसर का बेटा लगवा हो गया भागे नहीं ये लोग यहाँ बैठे रहे और अल्लाह का शुक्र है कि ये अब इनके कारोबार में फिर से बेहतरी आ रही है हर तरफ और आ, लोगों की दुआ लग रही है मेरे शो में तो आप जानते हैं कि ना इस्टार्टार नहीं होता मुझे बहुत दुआ मिलती है और वो दुआ जाहिर है उधर भी कन्वर्ट होती है अल्लाह उनको बहुत सिला देगा कि लोगों को मुझे मौका दिया यहाँ पे मैं बड़ा मशहूर हो गया मैंने बहुत ईदी के तरह दुआएं बहुत कमा ली दुआ के मामले में बहुत अमीर आदमी हूँ मैं इस वक्त ये इन्हीं मेहरबानी की वजह से चैनल की मेहरबानी की वजह से और उसका जो है सवाब ज़रूर उनको भी मिला है काफ़ी लोगों को हमने सही रास्ते पर डाला अभी जो पिछले दिनों लालच का एक तूफ़ान बचा कि बिल्कुल ही बेकार बेकार शेयर चलने लगे मैं रोकता रहा मैं रोकता रहा एक दिन भी मैंने नहीं कहा कि नहीं ले लो डबल कर लो प्रॉफ़िट ह हाँ सौ फ़ीसद कमा लो सौ फ़ीसद और दो सौ फ़ीसद के ही बहाना दे के हमेशा दुनिया में पॉन्जी स्कीम्स चली जाली कंपनियां चली और लोगों को बेवकूफ़ बनाया कुछ दिनों तक वो पैसे देते हैं उसके बाद से ग़ायब हो जाते हैं कभी भी लालच पे ना पड़ना 10 से 25 फ़ीसद आज कल के दुनिया में मिल जाना बहुत बड़ी आमदनी है कनात सीखें कम में गुजारा करना सीखें और ये शरी शे, शेयर की खरीद फरोख्त से दूर रहें तो आपके लिए बहुत बेहतरी होगी ये चीज़ सिखाई हमने और उसक, उसके उसके वजह से बहुत बड़ी तादाद में लोगों को बहुत सुकून मिला है वो जो 24 घंटे स्क्रीन को दे, देखते रहते थे परेशान होते रहते थे उससे वो आज़ाद हो गए अपने आवाज़ पढ़ते हैं रोज़ा रखते हैं घूमते हैं फिरते हैं शेयर माशाला उनका सब का सब बढ़ रहा है हाँ ये जो छोटे छोटे शेयर्स हैं जो ब्रोकर चलाते हैं बहुत बड़ी टर्न करते हैं लालच देते हैं कि ये ले लो एक लाख शेयर ये दो, दो रुपए का शेयर है दो लाख पे एक लाख शेयर ले लो ये बढ़ के चार लाख हो जाएगा तो अमीर हो जाओगे हाँ हो भी जाएगा वक्ती तौर पे क्योंकि सब मिलके जब खरीदेंगे तो बढ़ जाएगा लेकिन फंडामेंटली फंडाम उसके अंदर ताकत नहीं है फिर वो गिरेगा मुझे ये पता करना है कि ये जो मार्केट में इतनी ज्यादा मंदी आई है जैसा कि अभी आपने बताया है कि ये गोरे बेच के जा रहे हैं उस बेटल की वजह से तो ये कब तक रहेगा और दूसरा ये पूछना है कि दीवान फारूक मोटर्स जो है ये अपना प्लांट स्टार्ट कर चुका है और शहजोर है ये भी आज बिल्कुल फ्लोर लगा हुआ है तो इसके इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं कुछ दीवान सीमेंट तो चल रहा है और दीवान फारूक का आप कुछ आइडिया बता दें वो भी फ्लोर पे आ गया है नज़र नहीं आ रहा वॉलूम लीडर नहीं है हाँ नहीं वो भी हाँ फ्लोर पर है बात यह है कि आ, मैंने दो तीन पहले कहा कि आप लोग सब लोग दीवान ग्रुप से निकल जाओ इसलिए कहा कि जो मैं 32 बैंकों की सिनेरियो देखता हूं उसमें मुझे अनकंफर्टेबल फ़ील होता है आठ बैंक बिल्कुल नाराज़ बैठे हैं अभी भी और वो कभी भी कुछ कर सकते हैं तो अगर आपके पास चॉइस हो कि एक ऐसी कंपनी में लगाया जाए जहां कोई इस तरह का थ्रेट नहीं है वहाँ पर कोई बैंक उनको डंडा ले नहीं खड़ा हुआ तो उस पर लगाना बेहतर नहीं होगा और इस दौरान अगर आपने दो रुपये का शेयर फोर्टी पे पहुँच गया है तो मैंने सबसे कहा था परसों कि आप लोग दीवान ग्रुप से सब लोग प्रॉफिट ले कर निकल जाओ आइंदा ये शेयर ना ख़रीदो तो अभी भी आपको भी मेरा मशवरा है कि दीवान फ़ारूक मोटर से आप ये दीवान मोटर से निकल जाएँ बेच के निकल जाएँ और किसी और सॉलिड कंपनी में लगा लें थोड़ा सा शेयर ले लें टोटा का आ, या सुजुकी का या होंडा का कम ले लें ले, लेकिन वो वो सॉलिड है आइए एक लाइव कॉल से बात करें हेलो असल

टेक्नोलॉजी uh, अपनी लेटेस्ट नहीं लाए और ये पीछे रह गए और ये शेयर काफ़ी नीचे आ गया पचास uh, रुपये का हो गया था लेकिन फिर खबर आई कि अब इनके अंदर भी फिर से जम दम दम आफ्टर ऑल <laughs> पुरानी इंडस्ट्रीज फैमिली है uh, तो उन्होंने फिर से जो है अब कोई शुरू किया uh, एक uh, तो बैटरी का, का काम शुरू कर रहे हैं uh, उसके वजह से इम्प्रूवमेंट आ रही है दूसरा पता ये चला कि अभी ये जो लॉर्ड्स कंपनी आपने देखा कि जिसकी अट्ठाईस तारीख को आएगा शेयर आ, उसमें पता चला कि इनका बीस बाईस परसेंट शेयर है और आपने देखा कि ये लॉट्स का जो शेयर था जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी आप मार्केट में क्योंकि ये आई हुआ ही नहीं था थर्टी फोर हो गया तो आप समझ सकते हैं कि जो वजीर अली फैमिली है या ट्रीट कारपोरेशन है उसको एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बूस्ट मिला है इसलिए इनके शेयर्स को इम्प्रूव होना चाहिए तो जहाँ तक आपने पूछा डेस्काउंट केमिकल का तो डेस्काउंट को मैं हमेशा मना करता रहा हूँ इस तरह के तमाम केमिकल कंपनीज़ को मैं अनवाइबल समझता हूँ पाकिस्तान में मैं मिडल ईस्ट से आया हूँ वहाँ केमिकल का काम का होता है बड़े पैमाने पर पे इतने बड़े बड़े प्लांट लगे हुए हैं कि आप सोच ही नहीं सकते उनसे कम्पीट करना बहुत मुश्किल है हमारे लिए तो हमने देखा कि लोटे भी नहीं चलता दीवान फाइबर भी नहीं चलता एंगलोफोलार भी यहाँ फ़ेल हो गया तो ये इससे दूर रहे तो आपके लिए बेहतर है गनी ऑटोमोबाइल अच्छा कर रहा है ये मोटरसाइकिल ये रिक्शा उक्शा बनाता है और इसका कारोबार लाइक मोटर कंपनीज अच्छा चल रहा है डिमांड बहुत है मोटरसाइकिल भी बहुत बन रही है यहाँ रिक्शे भी बहुत बन रहे हैं गाड़ियाँ भी बन हर कारोबार माशाल्लाह बूम कर रहा है पाकिस्तान में तो इनका भी कारोबार बूम कर रहा है डेस्क को छोड़ दें बाकी को पकड़ लें आई क्लाइव से बात करें हेलो असलैक जनाब सर मैं इसको तो ये पूछना था कि अमरीली स्टील के बारे में पूछना था कि ये इसने भी कोई डिविडेंड वगैरह को दिया या पीसो रखें या क्या, क्या करें सर आप इसके शेयर होल्डर हैं जी 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 तो, तो ख़बर रखते होंगे आपकी कंपनी में क्या हो रहा है बताइए ज़रा मुझे नहीं मुझे तो मालूम नहीं मैंने देखिए ये बात गलत है आपने अच्छा। तो दस रुपया भी अगर लगाया हुआ है ना आपको मालूम होनी चाहिए और उसके बारे में आपके अंदर एक फील होना चाहिए जब अमरीली बोले तो आपका सीना ज़रा सा चौड़ा हो जाना चाहिए महफिल में बैठे बोले मैं अमरीली का मालिक बैठा हुआ यहाँ पे दस शेयर है मेरे पास मगर मैं मालिक हूँ क्योंकि मेरी औकात ही दस खरीदी की थी लेकिन मैं अमरीली का मालिक हूँ आप पता है अमरीली में क्या हो रहा है बताइए लोगों को अमरीली वो कंपनी मेरा पड़ोसी है कोरंगी का उसने सोचा कि मुल्क क्योंकि बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है सी पेक आ गया उसने देखा कि बहुत बड़ी डिमांड आने वाली है सीमेंट की भी और लोहे की भी तो उसने एक प्लान बनाया बैंकों के पास गया कि सर आधा पैसा बैंक दे दें आधा मैं पब्लिक अपने पाकिस्तानियों से मांगता हूँ क्यों ना मेरे कम काम में कारोबार में मेरे भाई बंद भी शामिल हो आप जैसे तो वो आया मार्केट में बड़े तरह डर डर डरते हुए आया लोग बहुत डरते हैं जब आई पी एल आते हैं शर्म आती है घबराहट होती है कि ऐसा ना हो कि लोग उनको रिजेक्ट कर दें मैंने बहुत सारे आई की फंक्शन को स्टार्ट किया है और वो आज इंडिया की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं इन्फोसी भी उसमें शामिल है आ, रेडी लैब को मैंने इंट्रोड्यूस किया ये सब साउथ इंडियन लोग बड़े शर्मीले लोग स्टेज पे आते हुए कांपते थे मैं बोल्ड आदमी हमेशा बोलने वाला मैं शुरू करता था कॉन्फ्रेंस तो हम रिली आया डरते डरते कि पता नहीं इज़्ज़त मिलेगी या जूते पड़ जाएंगे लेकिन आप लोगों ने उसको इतनी इज्जत दी इतना ज़्यादा पैसा दिया कि उसको जो बैंक से पैसा लेना था 350 मिलियन उसकी जो ही नहीं पड़ी अब वो अब माशाल्लाह वो एक्सपेंशन पे जा रहा है अभी आपकी कंपनी एक्सपेंशन पे जा रही है और आ, तोड़ फूड़ उठा बना हुआ है और आप कह रहे हैं कि डिविडेंड क्यों नहीं दे रहा ऐसे ही है कि आपने अपने घर को दो दूसरा मंजिला बनाना शुरू किया मजदूर लगे हुए हैं हर तरफ़ सीमेंट बजरी पड़ी हुई है और आप कह रहे हैं किराया कि क्यों नहीं आ रहा अरे भाई किराया तो उस वक्त आएगा जो ऊपर का बन जाएगा आप चाहो तो ऊपर नीचे दोनों किराए पे दे दो या ऊपर का दे दो नीचे रहो तो अभी जरा से इंतजार कर ले भाई फील प्राउड टू बी ओनर ऑफ अमरीली 10 शेयर हो 10 करोड़ शेयर हो कोई फर्क नहीं पड़ता मालिक मालिक है आई क्लाइव कौन से बात करें वाले साहब जनाब सर मुझे हाफ पावर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए जिसका शेयर प्राइस गिरता जा रहा है थोड़ा सा इसके बारे में इंफॉर्मेशन हाफ पावर हाफ पावर हफ हाँ पावर ए, क्यों गिरेगा भाई हफ हाँ पावर आपको इस कराची के इलाके में 1200 मेगावाट बिजली बना के देता है और आजकल वो जो उसके पास सरप्लस पैसा है उससे और भी कोल वोल के भी प्रोजेक्ट्स कर रहा है इसके गिरने की वैसे कोई वजह नहीं है आज सब गिर रहे हैं तो ये भी गिर गया होगा फैशन है गिरने का फैशन है कोई वजह नहीं इसके गिरने की आप उसको होल्ड कीजिएगा कैपको में ख़बर आई कि कराची इलेक्ट्रिक जो है उसका चालीस शेयर ख़रीदना चाहता है उमेर भट्ट साहब ने मुझे कई ट्विटर लिखे आज आप लोग पढ़ सकते हैं उसमें उन्होंने बताया कि कैपकों के साथ क्या क्या मसले हैं वापडाउन के पैसे नहीं देता वापडाउन पर फ़ाइन भी करता है इसलिए वो बहुत कम कैपेसिटी पर काम कर रहे हैं ट्रबल में आ गए हैं एक हज़ार आठ सौ मेगावाट का प्लांट है अब कैपको से हबकों से ज़्यादा है लेकिन पहले उसके रेट ज़्यादा होते थे आजकल कल का रेट ज़्यादा है कैपकों का रेट कम है आ, तो ये खबरें हैं लेकिन हबकों पे कोई ऐसी बुरी खबर नहीं है सनैन साहब कह रहे हैं कि जी फाइव सिक्सटी नाइन फिर से गिर गई मजीद पे मार्केट क्लोज हो गई और अब वाइंड अप का वक्त आ गया हसनैन साहब अगर मुझे दो चार मिनट दे दें तो मैं दो चार और शेयर्स का जिक्र करता चला जाऊँ जिससे कहा था कि दूर रहो लोगों ने नहीं सुना दीवान मोटर भी गिरा हुआ है एडवाइज फॉर द होल ग्रुप इज़ गेट आउट सेल एंड डोंट गेट इन बैक के इलेक्ट्रिक में भी 22 फ़ीसद का लॉस है हालांकि कैपको की खबर छोड़ी उन्होंने सुन नॉर्दर्न में भी लॉस है आज लेकिन स्वीन नॉर्दर्न आज खरीदने का दिन है जैसे अभी आयशा कथ ने फ़ोन किया आपको आयशा कथ आपको कहता हूँ दोनों शेयर जितना ले सकती ले लें कुछ नहीं होगा आज गिर आज तो सब गिर रहे हैं तो गिर रहा है फंडामेंटली सब एन आई बी बहुत लोगों ने खेला लाखों लाख शेयर खरीद लिए और आज उनमें चौदह पैसे का लॉस है बहुत बड़ा नुकसान है मेरी नज़र में एम सी बी इनको ए, ए, दो तीन सौ शेयर के बदले भी एक शेयर दे दे तो बड़ी बात होगी कोई दम इसमें है नहीं बाइकों पेट्रोलियम भी अप लोअ लॉक पर मेरे नज़र में इसकी वैल्यू दस बारह रुपये है और ये गलत ख़बरें सुना सुना के बढ़ाया हुआ है इसको लोटे केमिकल फंडामेंटली वीक कंपनी सिक्सटी वन पैसा डाउन है और इसके जो आ, लोटे वाले खुद बेच के यहाँ से जाना चाह रहे हैं क्योंकि चलाना बड़ा मुश्किल है सुई साधन भी गिरा हुआ है यह बेहतरीन मौका है आप लोगों के लिए ख़रीदने का कल आप लोग सुई साधन भी खरीदो नॉर्थन भी खरीदो उसके बाद एग्रो पोलीमार का नाम आता है इसकी कोई वर्त नहीं है ये बंद प्लांट है एग्रो इससे जान छुड़ाना चाह रहा है और इसको लोगों ने बढ़ा के दस रुपये का कर, कर दिया क्या वजह है भाई एक बंद प्लांट क्यों नौ रुपये का हो गया दो तीन रुपये से परवेश सिक्योरिटी एक ऐसा चीटिंग चीटर टाइप की लोग जो सौ रुपये पे शेयर को ले गए लोगों से पैसे घसीट लिए एक, एक रुपये नब्बे पैसे का हो गया आज कल वो भी चल पड़ा आज फोर्टी टू पैसा गिरा हुआ टू ट्वेंटी कोई इसकी वर्त नहीं है आजकल आपको पता है कि चार सौ ब्रोकरस हैं कॉस्ट मीट करना बड़ा मुश्किल होता है आज मेरा फेवरेट शेयर पाकि इंटरनेशनल वर्क टर्मिनेंट भी गिरा हुआ है ये आप लोग लिए कल के लिए बड़ा अच्छा मौका है इसको खरीदें जितना खरीद सकते हैं फ्लाइंग सीमेंट भी गिरा हुआ है ख़रीद लें इसको नाइन्टी डाउन है कोई वजह नहीं है आई बैंक ये भी चला पता नहीं कहाँ से ये बैंक आ गया क्या है ये हवाई कंपनी चार पैसे गिरा हुआ है इसको दूर रहें जापान पावर गिरा हुआ है ले लें इसको जहांगीर सिद्दीकी गिरा हुआ है इससे दूर रहें सिल्क बैंक भी गिरा हुआ है इससे भी दूर रहें टेली कार्ड भी, 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 भी गिरा हुआ है इससे भी दूर रहें थट्टा सीमेंट एक्सडी होकर भी बढ़ा हुआ है इसको और ले लें एंग फर्टिलाइज़र भी गिरा हुआ है आफ़्टर डिविडेंड इस ओके डिविडेंड देने के बाद गिरना नॉर्मल बात है इसको भी ले लें दीवान फारूक स्पिनिंग पता नहीं किस वजह से ये इतना महंगा हो गया था आज एक रुपये गिर, गिर गया तबाह हो गए लोग काफ़ी लोग काफ़ी को हार्ट अटैक हुआ हुआ इस पर इससे बिल्कुल दूर रही है कंपनी बंद पड़ी हुई है एक ज़माने से जंग आलूदा है पी में भी कोई दम नहीं है क्योंकि वो उसके जूस निकाल लिया है गवर्नमेंट ने आज वो सिक्सटी नाइन पैसा गिरा हुआ है इसी तरह कॉलोनी टेक्सटाइल ये भी चल पड़ा था जनाब फैशन था चलने का और लोग बहुत अमीर हो गए इसको ख़रीद के आज उनका नाइन्टी फाइव पैसा उड़ गया उसमें से कमीशन अलग है इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करूँगा खुदा हाफ